मूर्ति बहुत इंतहा से ज्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशन हैं फेस पर उस, और ये बहुत ही लिटरली आई वाज हैविंग गूज़बम्स एट दैट टाइम, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है तो पता ही चला। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी दोस्तों कल जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था अयोध्या में, इसकी जो रौनक है, इसकी जो चमक है प्राण प्रतिष्ठा का, सो वो देश विदेश में हर जगह देखने को मिली। अमेरिका का टाइम स्क्वायर में 2 घंटा लगातार राम भगवान का फोटो डिस्प्ले वहां पर किया गया। इसके अलावा आप देखिए बुर्ज खलीफा में भी भगवान का जय श्री राम लिख के वहां पर भी भगवान का अद्भुत प्रतिमा को डिस्प्ले किया गया। हर जगह जहां पर भी भारतीय हैं हमारे देश के, जहां भी जिस देश में रहे, देश विदेश में, विश्व में जिस कोने में हमारे भारतीय हैं हमारे, उन लोग ने इसे जश्न के तरह मनाया, एक फेस्टिवल के तरह मनाया, बड़ा फेस्टिवल। पास के मंदिर में जाके साथ में बड़ा बड़ा डिस्प्ले टीवी लगा के रखा था, जिससे कि यहाँ से डायरेक्ट जो है रिले हो, लाइव टेलीकास्ट वहाँ पर वो लोग देख रहे थे और अद्भुत क्षण का आनंद ले रहे थे पूरा परिवार के साथ। वातावरण पूरा राममय हो गया था। तो उसी तरह आप देखिए बुर्ज खलीफा मुस्लिम कंट्री है दुबई, लेकिन उसमें भी राम जी का छवि, अद्भुत छवि, उसमें ऊपर से जय श्री राम लिखा हुआ था। कुछ भी, दुबई हमारा दोस्त है, कुछ भी हमारे यहाँ जो खुशी होता है, दीपावली हो या कोई भी चीज हो, उसमें डिस्प्ले किया जाता है हमारे देश की खुशियों को, डिस्प्ले किया जाता है। वहाँ भी जो रह रहे भारतीयों के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है कि बुर्ज खलीफा में डिस्प्ले होना हमारे देश की कोई भी फेस्टिवल को, चाहे अभी तो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये तो ग्लोबल हो गया है। पेरिस का एफिल टावर या टाइम स्क्वायर का वहाँ पर देखिए डिस्प्ले, या आप देखिए बुर्ज खलीफा में, हर जगह जो है बिना उस कंट्री के परमिशन का तो डिस्प्ले नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि पूरा सभी आदमी को राम जो है छोटे मोटे नहीं थे, पूरा विश्व के गॉड हैं, भगवान हैं। उनका जो आचरण है, व्यवहार है, उस पर चल के दुनिया आगे बढ़ सकती है। वो लड़ाई झगड़ा में भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, वो बिल्कुल ही आदर्श थे सबका। उनके आदर्शों पे चल के, उनके जो बहुमूल्य जो है आदर्श है, उस पर वो इस सोच के, ये देख के सभी कंट्री, मॉरिशस देखिए वो छुट्टी दे दिया हाफ डे अपने, तो इस तरह करके। दूसरा बात क्या है कि हर जगह आप देखिए जितने भी स्पेशली हिंदू जो जहाँ भी रह रहे हैं देश के किसी कोने में, वो उस दिन पूरा मंदिर जाके अपने शाम को दीपावली का दीपक जलाना, क्योंकि राम जी जब अयोध्या आए थे लौट के तो दीपक जला था। तो इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा कटिंग लग सबका वीडियो कवर की हूँ, तो मैं दिखाती हूँ बुर्ज खलीफा में या टाइम स्क्वायर में अमेरिका का, या तो आप देखिए एफिल टावर में, हर जगह जो है डिस्प्ले किया गया है, हर जगह डिस्प्ले किया गया है हमारे जो सेलिब्रेशन हो रहा था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, वो देश विदेश में भी इसको जाने अनजाने सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो देखिए Hey, Shiva!
was one of the best fireworks display I've ever seen. Like, ever. And me and Renee were both like, whoa. And they was a little bit like, huh. And you should have seen the kids, like, you know. Yeah. अरे भी दस बजे नोट है कितनी भीड़ हो रही है भंडारे में से भी अभी भी लाइन लगी हुई है कार पार भी This is because that was amazing fireworks. I at the start I didn't think they were gonna be good, but then the ending was. Whoa. मेरा राम नाम की शक्ति अभी देखो बीच में 10 बजे हुए विदेश में भी इतना अच्छी तरह से भी सेलिब्रेट करा यहाँ पे. हाँ. तेरे को तुरंत गाड़ी. हाँ. ला लेंगे. तो गाइस ओनी ओनी कोर्ट जेड दिए जा रहे हैं मस्टैंग में मैं जा रहा हूँ उनके साथ पराडो में. और सिर्फ पार्किंग में से निकल गए देखो बिल्कुल वही बिल्कुल वही थे भाई अभी भी हम अभी भी मेन मंदिर में ही खड़े हैं ये लगा लो बस मंदिर के बाहर आ गए उस पार्किंग में से तो आधा घंटा तो अभी यही तक हो गया अभी रेड लाइट अगली लाइट तक भी नहीं पहुंचे 10:12 हो गई 13 मिनट जय शिव राम आपके लिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय हैं या जो भी उनके सिनेरियोस हैं लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनके मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिए अमेरिका के टाइम स्केयर पर एक घंटे का राम की पिक्चर्स राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट करिए जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं क्यों आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया और मैं आज उनके साथ और ये वजह है और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा सोचना चाहिए मेरे ख्याल में मे अमेरिका से आया हूँ न्यूयॉर्क से आपको अयोध्या यहाँ पर लग रहा है कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये मेरी पहली दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान आए मैं गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ मैंने वहां उनको उनके साथ सेलिब्रेट किया उनके साथ और उनको मुबारकबादें दी उनको मैं इसमें कोई हर्ज नहीं आपको भी चाहिए मैं यही कहूंगा तो गल्फ एरिया में भी एक चीज जो है वो खासतौर पर है इंडिया ने वहां पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें खासतौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की है अयोध्या राम मंदिर को द विटिकल ऑफ द हिंदू क्यों कहा जा रहा है यह आपने प्यार मोहब्बत से रहना है ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंत्र में एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल वेरी वेल भारत ही नहीं दुनिया के बड़े शहरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया इस मौके पर न्यूयॉर्क पेरिस और कई बड़े शहरों में माहौल राममय हो गया वहां रहने वाले सारे हिंदू भारतीय राम की भक्ति में लीन हो गए इस खास मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों की भारी संख्या दिखी टाइम्स स्क्वायर में सारे भारतीय राम के गीतों पर झूम नाच गा रहे थे और सबके हाथों में राम के चित्र वाले झंडे थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने का तरीका भी काफी आधुनिक है टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीन पर राम की तस्वीरें प्रदर्शित की गई कई लोगों ने राम की तस्वीरें वाले भगवा झंडे लहराए गए इसी बीच टाइम्स स्क्वायर पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्य ने लड्डू बांटे दूसरी तरफ फ्रांस के आईफल टावर पर भी जय श्री राम के नारे गूंजते हुए दिखाई दिए अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि बुर्ज खलीफा से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक सारा माहौल राममय हो गया और ये सारे शहर श्री राम के नारों से गूंज उठे तो इंडिया की तो समझ आती है चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोस हैं लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिए अमेरिका के टाइम स्केयर पर एक घंटे का राम की पिक्चर्स राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट करिए जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं क्यों देखिए बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देख कर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ
देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी निगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ के एरिया की, तो गल्फ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी बात करें तो आपको बताया कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। आप पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। आपको ये सेलिब्रेशन कैसा लगा? जो देश विदेश भी इसको ग्लोबल हो गया है, सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके आदर्श पे सेलिब्रेट और उनके बारे में भी कुछ अच्छा ही समझ के उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम कंट्री हो चाहे कोई भी देश विदेश हो, सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।